नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुकनेश और आप देख रहे हैं इट्स कानेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 8 अगस्त 2019 को हिमाचल में हुई कैबिनेट मीटिंग में पटवारियों के लगभग 1195 पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहे, डिटेल में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी इट्स कानेश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इट्स कानेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि आपको हिमाचल से जुड़ी हर खबर के बारे में जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल कैबिनेट ने दी 1195 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी। जानिए 25 बड़े निर्णय। दोस्तों, 25 बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में पटवारियों के रिक्त पद जल्दी भरे जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने 1195 उम्मीदवारों का पटवारी पद के प्रशिक्षण के लिए चयन करने का निर्णय लिया है। इनमें 933 को मोहाइल साइट से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 262 को बंदोबस्त का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिमला और कांगड़ा में बंदोबस्त विभाग में स्तर योग्य चेनमैन का चयन कर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इनकी भर्ती चरणबद्ध तरीके से होगी। मंत्रिमंडल ने सैकड़ों एसपीयू का भी मानदेय बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मदर टेरेसा असहाय मातृ संबर योजना के तहत सरकार ने प्रतिरक्त महिलाओं और विधवाओं को 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष सहायता राशि 6,000 रुपये कर दी है। इस योजना का लाभ पाने के लिए प्रदेश में 25,000 से ज़्यादा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की वार्षिक आय अर्थात महिलाओं की जो एनुअल इनकम है 35,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 35,000 से कम होनी चाहिए, और बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होने चाहिए। कैबिनेट ने 5वीं और 8वीं कक्षा में प्रशिक्षाएं लेने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 5वीं और 8वीं कक्षा में प्रशिक्षाएं लेने को भी मंजूरी दे दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड दोनों कक्षाओं की प्रशिक्षाएँ लेने के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएँ मुहैया करवाएगा। जिला स्तर पर उपनिदेशकों की देखरेख में उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित 2019 को लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच हिमाचल सरकार ने कश्मीर से लगते चंबा और लाहौल स्पीति जिले में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ के मानदेय को 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। J&K में बढ़ते तनाव और एसपीओ से ज़्यादा मदद लेने के चलते प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रदेश में करीब 550 एसपीओ तैनात हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में लावारिस पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों के बचाव को कांटेदार तारों के बाड़ और लिंक चेन पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अगर सामूहिक रूप से किसान ऐसा करते हैं तो उन्हें 70% उपदान मिलेगा। मंत्रिमंडल ने जोनल अस्पताल मंडी DDU शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और सिविल अस्पताल पालमपुर में 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें लगाए जाने को मंजूरी दे दी है। ये मशीनें PP मोड पर लगाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के अन्य सिविल अस्पताल रोहड़ू, रामपुर, नूरपुर, सुंदरनगर, पाउंटा साहिब और कोटखाई जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, बशर्त इन संस्थानों में छः महीने में लगातार कम से कम 500 CT स्कैन प्रतिमाह करने होंगे। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी में एक ब्लॉक मेडिकल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इस कार्यालय के लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने व भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बिलासपुर जिला के मारकंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में
अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने व भरने का भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में पॉली हाउस निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित करने और इसके बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने की मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना प्रथम चरण आरंभ करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 78.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सरकार ने जिला मंडी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जिला बिलासपुर के स्वारघाट, टोपा, तनबोल, सुईसुरा और देयोट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहा, जिला बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहल, लखनऊ, छको और चडोल में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन संस्थानों के लिए पीजीटी के 26 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने मंडी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला 12 में विज्ञान और वाणिज्य तथा सुरुआ में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने व इसके लिए पीजीटी के 9 पद भरने व सृजित करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के राजकीय डिग्री कॉलेज सिलाई में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के इतिहास और राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है। शिक्षण संस्थानों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैनात करने और विद्यार्थियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने स्कूल सुरक्षा परियोजना दिशा निर्देशों को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत स्कूली बच्चों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 161 पदों को भरने की मंजूरी दी है। बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी में एक खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने और भरने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। बिलासपुर जिला के मारकंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने व भरने को मंजूरी दी गई है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 73 पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला चंबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोनी को भी अपग्रेड कर 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए गए। कांगड़ा जिला के बिछुआई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने और भरने को मंजूरी दी। ऊना जिला के बसतेड़ा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने व इसके लिए 3 पद सृजित करने को सहमति दी गई है। दोस्तों, ये 25 बड़े निर्णय थे। अगर आपको इनके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहे इट्स कानेश यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।